सो गाइज हम यहाँ पे आ चुके हैं लूणा गांव में। आप ये सामने जो स्कूल देख रहे हो, ये स्कूल में हम बर्ड रेस्क्यू के लिए आए हुए हैं। रॉकी मेरे साथ है और साथ में जो है प्रवीण महाराज भी है। आप देख लो, दिखाता हूँ। बच्चे लोग थोड़े साइड पे हो जाओ, थोड़े साइड पे हो जाओ बच्चे लोग। भरी रातों के बाद आती है उम्मीदों से भरी हुई सुबह, और वो सुबह हमारे लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आती है। उस अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए, उसे पकड़ के आगे बढ़ना सीखिए। गुड मॉर्निंग, टुडे इज द 18th February 2020। सो गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ट्रैवल सफारी ब्लॉग्स। आज मैं थोड़ा बहुत नहीं पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पाँच छह दिन के बाद मैं कुछ किलोमीटर की दूरी पे मोटो व्लॉगिंग करते करते जाऊंगा। मतलब 15 किलोमीटर की दूरी पे पादरा गांव है, वहां पे मुझे आज जाना है गाइस। और वहां पे क्यों जा रहा हूँ ये वो सब, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे प्राणी जीव रक्षण संस्था है, और वो संस्था से मैं कुछ सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब 7-8 सालों से जुड़ा हुआ हूँ संस्था से, क्योंकि मुझे एनिमल्स से कितना प्यार है वो तो आप सब लोग जानते हो। तो नहीं जानते तो बता देता हूँ गाइस, मुझे एनिमल से जो है बहुत ज़्यादा ही प्यार है। मतलब नेचर, ये वो, वाइल्ड लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो उस रीज़न से मैं कुछ सालों से उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, और व्लॉगिंग, पेंटिंग, ये वो सब चक्करों में गाइस टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। तो काफ़ी टाइम हो गया मैं वहाँ पे नहीं गया, वो संस्था को विजिट नहीं किया। तो आज मैं सोचा कि चलो एक बार फिर से जो है 3-4 महीने के बाद वहाँ जाके उस जगह का विजिट किया जाए। और गाइस बस यही सोच के मैं आज जा रहा हूँ। वैसे बहुत सारे काम तो है, पर थोड़े बहुत काम साइड पे करके पहले वहाँ जाते हैं। और गाइस वहाँ जो है थोड़ी बहुत बातें करते वहाँ के लोगों से, और वहाँ जाते गाइस वैसे आप रैप मोड में रास्ते का मजा लो म्यूजिक के साथ, और वहाँ जाके थोड़ा बहुत आपको दिखा दूंगा ये वो सब। तो कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पे देखने जैसा, क्योंकि प्राणी जीव रक्षण संस्था है, तो गाइस ऑब्वियस है कि वहाँ पे बर्ड्स और वो सब तो होंगे ही। वैसे इससे पहले भी मैं वहाँ का व्लॉग बना चुका हूँ, तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा सर्चिंग लिस्ट में जाइए और देख लीजिए गाइस, पादरा एनिमल जीव रक्षण संस्था करके मैंने व्लॉग बनाया हुआ है। सो गाइस फाइनली मुझे जहाँ पे आना था, मैंने बोला था कि पादरा गांव में जा रहा हूँ और एक एनिमल संस्था है वहाँ पे जा रहा हूँ, वो संस्था को विजिट करने जा रहा हूँ। और काफ़ी सालों से मैं भी यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ इस संस्था से। वहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और गाइस जैसे ही मैं आया वैसे ही एक रेस्क्यू कॉल आ गया इन्हें यहाँ पे संस्था में। तो मिलते रॉकी से, जो को फाउंडर है इस संस्था के। तो रॉकी थोड़ा हमें बता दे कि हम जा कहाँ रहे हैं अभी। हम लूणा गाँव पर जा रहे हैं, लूणा गाँव पर एक बर्ड को अभी इंजर्ड हुआ है, तो वहीं पे जा रहे हैं। वहाँ बहुत सारी कॉलोनी आती है, बाहर के विदेशी पक्षी वहाँ पे बहुत आते हैं, ऐसे बोल रहे बर्ड्स ज़्यादा आते हैं, वहाँ जा रहे हैं हम लूणा गांव। तो बस देखा गाइस, जैसे ही यहाँ पे आया वैसे ही बर्ड रेस्क्यू का कॉल आ गया और हमें यहाँ से निकलना पड़ रहा है वहाँ पे। तो वहाँ का क्या माहौल है और कौन सा बर्ड हम रेस्क्यू कर रहे हैं वो सब आपको दिखाता हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहना ऐसे ही। वैसे तो धूप बहुत है, चलते फटाफट और रेस्क्यू करके आते। वैसे प्रवीण महाराज जो है ये संस्था के फाउंडर, वो जा चुके वहाँ के लिए रेस्क्यू के लिए, तो
फटाफट हम भी निकलते हैं हमारी गाड़ी पे। और गाइस वहाँ पे पहुँच के जितना भी मैं आपको दिखा पाऊंगा उतना मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे तो निकलते रॉकी आ जाओ। सो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं लूणा गांव में। आप ये सामने जो स्कूल देख रहे हो, ये स्कूल में हम बर्ड रेस्क्यू के लिए आए हुए हैं। रॉकी मेरे साथ है और साथ में जो है प्रवीण महाराज भी है। आप देख लो, दिखाता हूँ। बच्चे लोग थोड़े साइड पे हो जाओ, थोड़े साइड पे हो जाओ बच्चे लोग। ये बर्ड की विंग्स में चोट लगी हुई है, आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है? ये जो आप देख रहे हो ये विंग्स में इसे चोट लगी हुई है। तो महाराज ये कौन सा बर्ड है? वो पेंटेस्टोक है और वो पीड़ी जॉय का डॉग कहता है गुजराती में। ये बर्ड यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है हमारी ओर से, तो इसको हम ले जाएंगे अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पादरा का है वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ पे छोड़ देंगे। वहाँ पे दवा ये वो सब होगा इसका और ठीक करेंगे और फिर जो है इसको छोड़ दिया जाएगा। सो गाइज वो जो बर्ड हमने रेस्क्यू किया वो इसी तालाब से था। मतलब ये जो बर्ड है रॉकी थोड़ा इधर आ जाना, ये बर्ड के बारे में थोड़ा बता दे कि ये बर्ड है कौन सा और कहाँ से आते हैं ये वो सब। ये बर्ड पेंटेस्टॉर्क है, उसको बोलते हैं पीड़ी जात का डॉग बोलते हैं। यहाँ काफ़ी सारे बर्ड्स आते हैं, जैसे ठंडी की सीज़न होती है, ठंड की सीज़न तब आते हैं, तब उत्तरायण भी पास में आती है। तो उत्तरायण के अंदर एक प्रॉब्लम जो होता है, जब लोग जो पतंग जो चगा रहे लोग उसके अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पर इंजर होते हैं। ये पतंग की दोरी में आ जाता है, रस्सी में आ जाता है, चाइनीज़ दोरी में आ जाता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट करने देते हैं वो लोग हमारी एनजीओ मिलके हम उसको ट्रीटमेंट करके फिर से इस तालाब में छोड़ देते हैं। हर साल आते हैं ये, बाहर से आते हैं यहाँ पे, उसकी पूरी कॉलोनी आती है। यहाँ पूरी उसकी कॉलोनी है, ऊपर पूरा बर्ड है ऊपर उसका जो इसके पेड़ के ऊपर होता है। बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे है, जैसे नटका है, गजपाव है, नटका, ऐसे काफ़ी सारे स्पीसीज के बर्ड आते हैं यहाँ पे। कितना खूबसूरत है गाइस, देखो उड़ भी नहीं रहा है, मतलब कितना प्यारा है। तो देखो कितने पास जा रहा हूँ मैं, फिर भी ये उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। मतलब इसे पता है कि हम इसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो गाइस इसी वजह से मैं यहाँ पे आके ये सब जगह विजिट करने की पसंद करता हूँ, यही रीज़न है गाइस। देख लो कितना प्यारा है। ओके सो गाइस फाइनली जो है बर्ड रेस्क्यू करके यहाँ पे आ गए। हमारी जो ऑफिस है संस्था की वहाँ पे मैं आ चुका हूँ और प्रवीण महाराज, रॉकी महाराज जो है अभी और रेस्क्यू करने के लिए गए। उनको बहुत सारे कॉल आते रहते हैं तो अभी वो यहाँ पे है नहीं, मुझे सीधे उतारा और फिर वो दूसरे बर्ड रेस्क्यू के लिए चले गए या फिर स्नेक रेस्क्यू के लिए गए अभी। तो उन्हें आने में टाइम हो जाएगा, तो थोड़ा जो है आपको विज़िट करवा देता हूँ यहाँ पर। ये पंछी देख रहे हो आप, खूबसूरत खूबसूरत छोटे छोटे। और ये जो केज देख रहे हो गाइस, ये केज में जो है क्रोकोडाइल रेस्क्यू किया जाता है। क्रोकोडाइल को पकड़ के इस केज में डालते और कुछ टाइम के लिए रखते और फिर जो है जहाँ पे भी छोड़ना होता है वहाँ पे छोड़ के आते हैं ये लोग। और भी है गाइस, और भी बहुत कुछ है दिखाना है। ये केज देख रहे हो आप, बड़ा सा ढका हुआ सा, इसके अंदर जो है गाइस दो अफ्रीकन ग्रे पैरट है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सो चलो दिखाता हूँ, एक वो रहा और दूसरा जो है वो रहा, ठीक है देख लिया। सो गाइस कितने खूबसूरत है ये मज़ा ही आ गया, मतलब बहुत टाइम के बाद मैंने इनको देखा। सो
देखो अफ्रीकन ग्रे गाइस। हाँ चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करते। वाओ सिटी मारी, अभी सुनी होगी, शायद सुनाई दी होगी, सिटी मारी। सो गाइस और भी है, ये यहाँ पे गाय माता आपको दिख रही होगी, ये भी बहुत छोटी थी तब रेस्क्यू करके लाए थे, बछड़ा था तब रेस्क्यू करके लाए थे, और अभी महाराज जी इसका सब देखभाल कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस। और यहाँ पे साइड पे जो आप देख रहे हो पीछे की साइड, पूरा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ है यहाँ पे। क्या करते हैं, कोई अगर एनिमल इंजर्ड हुआ और रेस्क्यू किया और उसको जो है यहाँ पे बांधते, कुछ टाइम के लिए ट्रीटमेंट करते और फिर ठीक होते ही वापस छोड़ देते। तो गाइस बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे किया जा रहा है एनिमल को लेकर। काफ़ी सालों से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ गाइस, पर मेरी कॉलेज थी, मेरी मास्टर डिग्री चल रही थी, ये वो काम वाम सब, तो उस चक्कर में क्या हुआ गाइस कि मेरा यहाँ पे आना जाना ये वो सब थोड़ा कम हो गया। बाकी पहले मैं पूरा दिन यहाँ पे आता था, महीनों तक रहता था, ये वो सब, तो बहुत कुछ सीखा, स्नेक रेस्क्यू सीखा, एनिमल रेस्क्यू सीखा और बहुत कुछ वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई अलग अलग बातें, फोटोग्राफी, ये वो सब कुछ यहाँ से सीखा गाइस। सो बहुत सारी मेमोरीज जो है ये जगह से मेरी जुड़ी हुई है, और अगर किसी की मेमोरी कोई जगह से जुड़ी हुई होती है और बहुत टाइम के बाद आप वहाँ पे जाते हो, हम जाते हैं वहाँ पे, तो सभी जो यादें होती है वो ताज़ा हो जाती है और आपके अंदर जो है वो एक अलग सी खुशी फील करते हो आप। सो गाइस बस यही हो रहा है मेरे साथ भी, आज बहुत ही खुश हो रहा हूँ मैं। फिलहाल प्रवीण महाराज से और रॉकी महाराज से मिलवाना था जो ये सोसाइटी के फाउंडर है, बट रेस्क्यू के लिए गए तो अभी मुझे बहुत कुछ देखना पड़ेगा, यहाँ पे बैठूँगा ये। तो गाइस कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तब उनसे मिलवाऊँगा, अच्छे से बातें करेंगे, ये वो सब होगा। बट फिलहाल जो है ये ब्लॉग यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाने वाला है। सो मैं नहीं चाहता कि आप जो है बोर हो जाओ ब्लॉग देखते देखते। सो ब्लॉग यहीं तक रखते हैं गाइज, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना इस ब्लॉग पे, और गाइज हाँ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और यूं ही मेरे साथ जुड़े रहना। हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए यूं ही मेरी तरह हंसते मुस्कुराते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। स्नेक रेस्क्यू हमने कर लिया है। रॉकी बंद कर दी इसको। हाँ।